2000 करोड़ रुपए। दोस्तों कैसी लगती है रकम 2000 करोड़ रुपए हमारे? ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी सुना भी नहीं होगा शायद, देखना तो बहुत दूर की बात है। और अगर आपके अकाउंट में कोई सेंध लगा के इस 2000 करोड़ रुपए को चुरा के ले जाए आपकी नाक के नीचे से और आप कुछ ना कर पाए तो आपको ऐसा लगेगा? दोस्तों आज मेरे जो मन में गुस्सा है, जो टीस है, वो उस ब्रोकिंग कम्युनिटी के अगेंस्ट है जो लोगों का मेहनत के पैसे को लूटने में लगी हुई है। आज सुबह सुबह एक न्यूज फ्लैश होती है कि कार्वी, जो देश की दिग्गज कंपनियों में से एक है, दोस्तों 1983 में कंपनी एस्टेब्लिश हुई, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, आप जानते हैं बहरीन में, दुबई में, इंडिया में, बहुत जगह जगह इनके ऑफिस हैं। और दुनिया में, देश में शायद कोई ऐसी स्टेट होगी जहां इनके ऑफिस नहीं है। मैं उसी कार्वी की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिसका 2005 में पहले भी डीमेट स्कैम्स के साथ नाम जुड़ चुका है, जिसके डीमेट खोलने पे बैन लगी थी। जब IDFC का IPO आया था उस टाइम पे इन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया था, जब एक एक आदमी की ID के ऊपर में मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स खोल दिए गए थे अगेंस्ट दी पॉलिसीज, अगेंस्ट दी कॉम्प्लायंस। ये वही कार्वी है जो 2019 में फिर से नाम निकल के आया है कि 2016 से लेके 2019 अक्टूबर तक इस कंपनी ने लोगों का पैसा, लोगों के शेयर्स बेच दिए लोगों को बिना बताए। दोस्तों कितना बड़ा स्कैम है, 2000 करोड़ से ज़्यादा का मतलब। इतने दिनों से मुझे शिकायतें मिल रही थी, मेरे दोस्त फ़ोन कर रहे थे, मेरे क्लाइंट्स फ़ोन कर रहे थे जो मुझे जानते हैं कि मैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री में रहा हूं, मैंने इसको इन आउट काम किया है, मैंने देखा है इस चीज़ को। लोग मुझे पूछ रहे थे कि हमने शेयर्स बेच दिए, हमें पैसा नहीं मिल रहा। लोग बोल रहे थे कि हमने शेयर खरीदे, हमारे डीमेट में शेयर्स नहीं जा रहे हैं, हमने जो शेयर्स को बेचा है, सिक्योरिटीज़ को बेचा है, उसका पे आउट जो हमें आना चाहिए, पैसे की ज़रूरत है, वो पैसा नहीं मिल रहा। मैंने उसी समय कह दिया था कि कुछ न कुछ तो बड़ा गड़बड़ हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी जिसका नाम इतना बड़ा है, कार्वी का कंप्यूटर शेयर डिवीज़न जो शेयर्स के पीछे एक किस्म से मैनेजमेंट का काम करता है, एक वो कंपनी है जो रजिस्ट्रार है, जो इतने सारे IPO के पीछे इसका नाम है, उसी कंपनी की जो मेन कंपनी कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के SBL, उसने अपनी कार्वी रियलिटी के अंदर में 2000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। लोगों का पैसा उसने वहां एक कंपनी से दूसरी कंपनी शिफ्ट कर दिया बिना लोगों के बताए। दोस्तों मुझे इस बात से तकलीफ नहीं कि कार्वी ने क्या किया, मुझे इस बात से तकलीफ है कि आप लोगों के साथ ये होता क्यों है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप क्या करें कि आपके साथ ये सब कभी ना हो। हमारी एक छोटी सी मिस्टेक किसी भी ऐसे बड़े ब्रोकर को हमें लूटने में मदद करती है। मालूम है कैसे? दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है POA, पावर ऑफ अटॉर्नी। ये ब्रोकर चाहे कोई भी हो, चाहे वो कार्वी हो, मोतीलाल ओसवाल हो, या कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा ब्रोकर क्यों ना हो, आज के टाइम में डिस्काउंट ब्रोकर से ही क्यों ना हो, चाहे वो जीरोधा हो, चाहे अपस्टॉक्स हो, कोई भी कंपनी हो, वो सब आपसे POA साइन कराती हैं। POA कैसे काम करता है आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने POA दे दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी आपने दे दी, मतलब क्या है कि आप जो शेयर्स खरीदेंगे, जो भी इक्विटी आप खरीदेंगे, वो ब्रोकर के पूल अकाउंट में चली जाती है और ब्रोकर को आप पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दे रहे हैं कि हाँ, अगर आप कोई खरीद या बेच करते हैं तो ब्रोकर के अकाउंट में आपका शेयर्स पड़े रहेंगे, आपका माल सारा वहां पड़ा रहेगा, वहीं से वापस वो बिक जाएगा। तो आपके एक जो झंझट है ना कि डिपॉजिटरी स्लिप काट के देनी नहीं पड़ेगी। कायदा क्या होता है, तरीका क्या होता है समझ लेते हैं। पहले हम शेयर्स खरीदते हैं तो रूल ये कहता है वो शेयर T+2 में 3 दिन के अंदर में आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। पर ब्रोकर कहता है यार कि आप क्यों डीमेट की स्लिप साइन करेंगे बार बार, कौन आपके पास स्लिप साइन करवाने के लिए आएगा, आप बार बार आपको ऑफिस आना पड़ेगा स्लिप साइन करके देने के लिए, तो प्लीज़ इस झंझट को खत्म करते हैं, POA साइन कर दीजिए, आपके शेयर्स हमारे पूल अकाउंट में पड़े रहेंगे, जब भी आप माल खरीदेंगे हमारे अकाउंट में आएगा, जब भी माल बेचेंगे हमारे अकाउंट से चला जाएगा, तो आपको बार बार स्लिप काटने का झंझट नहीं है। आज के टाइम में लोग टाइम बचाना चाहते हैं, टाइम बचाने के पीछे में 2000 करोड़ रुपए गंवा दिए हमने। और ऐसा दोस्तों मुझे शक है ऐसा बाकी ब्रोकर भी कर सकते हैं, बाकी आज के टाइम में अगर कार्वी जैसी दिग्गज कंपनी ऐसा कर सकती है तो आज के डेट में भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आज के डेट में हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर के दिमाग में ये समझ में आ रहा होगा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मैं कौन से ब्रोकर का चयन करूं, मैं किसके पास डीमैट अकाउंट खोलूं, किसके पास ट्रेडिंग अकाउंट खोलूं, किसके पास मेरा पैसा सेफ है। अगर आपका खुद का पैसा सेफ नहीं है दोस्तों तो इस ब्रोकिंग कम्युनिटी की हमें ज़रूरत ही क्या है। फिर तो पहले की प्राइमरी मार्केट ही अच्छी हुआ करती थी, पहले का बिना इलेक्ट्रॉनिक का जो बाजार था, नॉन इलेक्ट्रॉनिक नॉन डिजिटल मार्केट थी, वही अच्छी थी, बोलियां लगती थी, अपना शेयर्स बेचते थे, खरीदते थे, आ जाते थे, रिंग में एक आदमी जाता था, एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, वो जो भी धांधली करता था वो सही था। फिर तो हर्षद मेहता ने जो किया, जो केतन पारिक ने किया, वो सही किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आने के बाद अगर आज भी हमें लूटा जा रहा है तो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा क्या है, आपको मैं एक हिदायत देना चाहूंगा दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत करना सीख लीजिए प्लीज। एक तो पहली बात है कि ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, SEBI का ऐसा कोई नियम नहीं है, ना ही NSE का कोई ऐसा नियम है कि ब्रोकर आपसे जबरदस्ती POA साइन कराए, पावर ऑफ अटॉर्नी। दोस्तों क्या आप अपना पैसा किसी को भी ऐसे ही सौंप देते हैं कि मेरे नाम पे धंधा कीजिएगा, पैसा निकाल लीजिए उस अकाउंट से और किसी को देना दे दीजिएगा, बाद में पैसा है फिर अपने पास रखिएगा, फिर मुझे दे दीजिएगा, ऐसा कभी होता है क्या? तो डीमैट अकाउंट को खोलने में इतना हर्ज क्या है,
और अगर डीमैट अकाउंट खुला ही है उसके बिना तो काम होगा ही नहीं, तो अपने शेयर्स को, जो आपकी पूंजी है, जो आपकी वेल्थ है, उसको डीमैट अकाउंट में रखने में हर्ज क्या है आपको? आप क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं? क्यों अपना पैसा ब्रोकर को देते हैं? क्यों अपना पैसा पीओए अकाउंट में रखते हैं? क्यों अपने शेयर्स आप पीओए अकाउंट में रखते हैं? क्यों थोड़ी सी मेहनत या मशक्कत आप नहीं करते हैं कि आपका पैसा, आपका डीमैट, आपका जो शेयर्स हैं, आपके डीमैट अकाउंट में जाएं? दोस्तों, थोड़ी सी दलाली बचाने के लिए देखिए एक और चीज़ है, एक चीज़ के बड़ा खिलाफ हूँ आज के डेट में मैं। जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, कितना कच्चा लालच हम लोगों को दिया हुआ है। आप ट्रेडिंग कीजिए, डिलीवरी में माल उठाइए, आपकी एक रुपए की ब्रोकरेज नहीं लगेगी। दोस्तों, ये वो कच्चा लालच है जिसकी सुख बुगाहट मैं अपने स्टूडेंट से, अपने क्लाइंट से, अपने दोस्तों से शेयर करता रहता हूँ कि मुझे कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा विश्वास मेरे दिल में आता है कि आने वाले 2 साल 5 साल 10 साल पता नहीं कब स्कैम होगा। आने वाले समय में ये भी स्कैम निकल के आएगा कि जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स थे, कोई ना कोई बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर फ्रॉड करेगा, कोई ना कोई डिस्काउंट ब्रोकर ऐसा काम करेगा कि आपके सारे शेयर्स लेके चंपत हो जाएगा, भाग जाएगा। आप सोचते रहेंगे इतना बड़ा ब्रोकर जिसके लाखों करोड़ों अकाउंट्स हैं जिसके पास में, वो हमारे शेयर्स लेके भाग गया। किस चीज़ के भागेगा? क्यों दोस्तों? क्योंकि उसको मालूम है कि आप दलाली बचाना चाहते हैं, आप छोटी सी कॉस्ट बचाना चाहते हैं। उसको पता है कि आपका लालच आपके खर्चे बचाने में, वेल्थ क्रिएट करने में नहीं है। अगर आप वेल्थ क्रिएट करने में विश्वास करते हैं, अच्छी कंपनी का चयन कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए, अपना डीमैट अकाउंट में शेयर्स डालिए, कोई पीओए साइन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी मेहनत कीजिए, डीमैट की स्लिप भरिए, काटिए, ब्रोकर के पास भेजिए, आपका अकाउंट डीमैट, जो शेयर्स हैं डीमैट से बिकेंगे, डीमैट में आएंगे। अगर इतनी मेहनत नहीं कर सकते दोस्तों, चौकन्ने नहीं होंगे ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बहुत पुरानी कहावतें हैं। तो आपको अपनी सावधानी अपने सामने रखनी पड़ेगी। दोस्तों, इस न्यूज़ के ऊपर मैं आपको चौंकाना या डराना नहीं चाहता था, यह हमारा मकसद बिल्कुल नहीं था। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर ब्रोकिंग है, पहले समझ लेते कि काम कैसे होता है। एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है, ठीक है, ट्रेड करना है। एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है कि जब आपके शेयर्स को डीमैट में रखा जाएगा। हम लोग अपने उसूलों को भूल गए हैं, बेसिक्स को भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि डीमैट अकाउंट का पर्पज़ क्या है। अगर हमने शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में रखे होते तो आज कार्वी तो क्या, किसी भी ब्रोकर की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके पैसे के खरीदे हुए शेयर्स को किसी और को दे दे, वो या आपसे बिना पूछे आपके माल को बेच दे। क्योंकि हमने उनको वो अधिकार दिया है अपने आलस की वजह से, अपने छोटे से खर्चे को बचाने के लालच की वजह से। तो ब्रोकर के जब नियत खराब हुई या उसका मंशा खराब हुई तो उसने कांड किया। उसको कांड करने के लिए प्रोत्साहित कौन कर रहा है? हम उसको ऐसा करने दे रहे हैं? हम। अगर हम ही अपने रूल्स को, कायदे को समझ जाएंगे, अगर अपने शेयर्स को डीमैट में रखने लगेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी ब्रोकर के पास इतनी हिम्मत हो सकती है आपके माल को बेचने के लिए आपसे बिना पूछे। तो पहली हिदायत क्या है कि जब भी आप अकाउंट खोल रहे हैं, डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, अच्छे अच्छे ब्रोकर के पास खोलिए, उसकी जांच पड़ताल कीजिए कि या कभी वो पहले किसी स्कैम में फंसा है कि नहीं फंसा। अगर पहले भी किसी स्कैम में फंसा है तो उससे थोड़ा हटने में सावधानी है। बड़े बड़े बैंक्स हैं जिनके आप डीमैट अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, जो आपके सेविंग अकाउंट से जुड़े होते हैं, उनमें काम करने में कोई हर्ज नहीं है। हम वहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ब्रोकरेज या खर्चे महंगे होते हैं। खर्चे से मत डरिए दोस्तों, खर्चे पालना सीखिए। खर्चे, अगर आप ट्रेडिंग अच्छी कर रहे हैं, आपकी डिलीवरी अच्छी है, आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, तो खर्चे आपको चुभेंगे ही नहीं। वो 100-200 रुपये का खर्चा बचाने के चक्कर में हम लाखों रुपए की पूंजी, करोड़ों रुपए की पूंजी ऐसे ब्रोकर्स के हाथों में सौंप देते हैं जो कभी भी इसका मिसयूज़ कर सकता है। दोस्तों, पहली चीज़ सीखने वाली क्या है कि जो डीमैट अकाउंट है उसको ऑपरेट करने के लिए, जैसे आपके सेविंग अकाउंट की एक चेकबुक होती है, ऐसे ही डीमैट अकाउंट की एक बुकलेट होती है जिसको हम डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप बुकलेट कहते हैं, DIS बुकलेट कहते हैं। उस DIS बुकलेट को अगर आपके पास नहीं है, खो गई है, FIR कराइए, कंप्लेंट लिखाइए, कंप्लेंट दर्ज कीजिए, ब्रोकर के पास रिक्वेस्ट कीजिए, वो वापस से आपको DIS बुकलेट भेजेगा। आप जब भी शेयर्स खरीदते हैं, ब्रोकर को बोलिए मेरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। मार्जिन को मत इस्तेमाल कीजिए, अपने पैसे से काम कीजिए। डीमैट में शेयर्स जाएंगे, जब आपको शेयर्स बेचने होंगे तो डीमैट की जो स्लिप है उसको काटिए, DP की स्लिप को, उसके बाद ही ब्रोकर को सबमिट कीजिए कि भैया मेरे अकाउंट से काटने की अथॉरिटी दे रहा हूँ मैं शेयर्स निकालने के लिए, जो शेयर्स बेचे हैं मेरे डीमैट अकाउंट से निकालने की अथॉरिटी मैं आपको DIS बुकलेट की स्लिप को काट के दे रहा हूँ। तो आप मेरे से बिना पूछे, मेरी ऑथराइजेशन के बिना आप उस शेयर्स को नहीं बेच पाएंगे। तो अपनी ऑपरेशंस को सही कीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी हिदायत दोस्तों, कच्चे लालच से बचिए। दोस्तों, खर्चे बचाने की कोशिश करेंगे तो जो आज स्कैम 2,000 करोड़ का है, कल 20,000 करोड़ का हो सकता है, और आने वाले समय में 2,00,000 करोड़ का भी हो सकता है, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि शेयर मार्केट एक समंदर की तरह है, अगर यहाँ से पैसा बनना आसान है, हज़ारों करोड़ों अरबों में अगर पैसा बनाया जा सकता है, तो हज़ारों करोड़ों अरबों में पैसा गंवाया भी जा सकता है। दोस्तों, सावधान रहिए, रूल्स पढ़िए, आपको अपने कानून पता होने चाहिए, और जो फैसिलिटी आपको एक्सचेंजेस ने दी है उस फैसिलिटीज को इस्तेमाल कीजिए। अपने डीमैट अकाउंट का सही इस्तेमाल करना सीखिए, कच्चे लालच से बचिए। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, देयर इज नो फ्री लंच इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। जो चीज़ें आज लोक लुभावन हो सकती हैं वो कल आपके जी का जंजाल बन सकती है। आई होप मेरा मैसेज क्लियर होगा दोस्तों।
अच्छी ट्रेडिंग कीजिए, अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए, अपने ब्रोकर का चयन कीजिए और रूल्स में काम कीजिए।